प्रतीक सहजपाल से परेशान हो गए शमिता शेट्टी, जिस पर आपको बताना चाहता हूं कि अब फाइनली तेजस्वी प्रकाश ने एक मदद करी है शमिता की, जिस पर भावुक और इमोशनल हो गई है शमिता शेट्टी। इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या है माजरा। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं, तो वहां पर मुझे फट 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 फॉलो कर लो, RHULBHOJ। तेजस्वी प्रकाश का दिल बहुत साफ है दोस्तों, और ये बात हमने ऑलरेडी देखी है। खतरों के खिलाड़ी में हमने देखा है कि किस तरीके से वो चीजें करती थी, किस तरीके से वो इतना एक्टिवली काम करती थी, एंड दैट्स सो अमेजिंग, सो इनक्रेडिबल। अब आपको बताना चाहता हूँ कि शमिता शेट्टी अपना दुखड़ा जो है रोती है, और वो कहती है कि यार टाइम ही नहीं मिलता, काम ही इतना हो जाता है, और प्लस प्रतीक ये लोग कोई काम ही नहीं करते, मैं खाना बनाने में ही रह जाती हूँ। जिस पर साफ तौर पे यहाँ पे ना देखो, तेजस्वी ने अपने बढ़ चढ़ कर आगे बोल के बात बोली कि देखो मैं तो डेली खाना बनाती हूँ, आप चाहो तो मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ खाना, और इससे क्या होगा कि आपको भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो घर बहुत बड़ा है और आप तीनों को ही वो संभाल के रखना है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। और मेरा क्या है, मैं तो 13 लोगों का खाना बना ही रही हूँ, तो आप भी 3 लोग आ जाओगे, यानी कि 16 लोग। तो इस बात को सुनकर बहुत इमोशनल होती है शमिता, वो कहती है तेजस्वी तुम्हें ना दिल की बहुत अच्छी हो, और सच में तुम लिटरली बहुत अच्छी हो और दिल की बहुत खास हो। पहले ऐसी नहीं है तेजू दोस्तों, सही बताऊं तो सचमुच में वो दिल की अच्छी है, और हर कोई अगर उसे अप्रिशिएट करता है तो वो उसके दिल के लिए करता है। तभी तो यार खतरों के खिलाड़ी में बंदी जीती भी नहीं, बंदी बाहर हो गई, लेकिन स्टिल आपको बता दूं तो बंदी जो है वो तरीके से है ना दिल जीत के गई, और प्लस रोहित शेट्टी साहब ने उसको फिल्म्स भी ऑफर करी। आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं, मैं चलता हूं।